डीएफओ सुधांशु यादव को बदनाम करने शहर में रेंजर कृतिका शुक्ला ने लगवाए पोस्टर। रेंजर कृतिका शुक्ला फरार रेंजर श्रुति राठौर को दिया था प्रभार। कोतवाली पुलिस ने वन विभाग के अधिकारियों की छवि धूमिल करने के लिए शहर में पोस्टर लगवाने वाले आरोपियों का किया पर्दाफाश। आरोपी किए गिरफ्तार। 8 जून को कोतवाली पुलिस को बाबूलाल नरवरिया निवासी शांतिनगर कॉलोनी थाना फिजुकाला शिवपुरी पद कार्यवाहक वनपाल वन परिक्षेत्र शिवपुरी ने बताया कि शिवपुरी डीएफओ सुधांशु यादव वन मंडलाधिकारी वन मंडल की छवि धूमिल करने हेतु शहर के विभिन्न स्थानों विवेकानंद टोल टैक्स वाणगंगा करबला दोबत्ती फॉरेस्ट रेंज में भदैया कुंज क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें वन मंडलाधिकारी के विरुद्ध अमर्यादित शब्द एवं अनगल टिप्पणियां लेख की गई हैं। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। एसपी अमन सिंह राठौर ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, जिसमें से करबला एवं आईटीआई तुराहे के सीसीटीवी कैमरों से ज्ञात हुआ कि घटना करने वाले 3 आरोपी हैं, जो पोस्टर चिपकाते हुए दिखाई दिए, जिनकी पहचान करने शहर में वीडियो फुटेज के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई। जो कि फुटेज में दिख रहे 3 व्यक्तियों में से 2 की पहचान शौकत अली वन रक्षक शिवपुरी एवं प्रभुदयाल शर्मा वन रक्षक शिवपुरी के रूप में हुई। दोनों आरोपियों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि दोनों आरोपियों ने रेंजर कृतिका शुक्ला द्वारा दिए गए पोस्टरों को शहर में चिपकाया है। वह पोस्टर चिपकाने के लिए एक अन्य साथी रमेश शर्मा निवासी पुराना शिवपुरी भी उनके साथ रहा है, जो प्रकरण में 3 आरोपी शौकत अली प्रभुदयाल शर्मा एवं रमेश शर्मा से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी रेंजर कृतिका शुक्ला की तलाश जारी है। प्रकरण में 3 आरोपी ने बताया कि रेंजर कृतिका शुक्ला ने डीएफओ सुधांशु यादव का ट्रांसफर करवाने व बदनामी करने के आशय से इस तरह के पोस्टर रेंजर कृतिका शुक्ला के कहने पर शहर में लगाए हैं। प्रकरण में विवेचना से धारा 509-120B भादवी का इजाफा किया गया। प्रकरण में डीएफओ सुधांशु यादव ने अपने कथन में बताया कि रेंजर कृतिका शुक्ला कोलारस रेंज में पदस्थ थी, तो उनके द्वारा की अनियमितताओं के कारण उन्हें निलंबित किया गया था एवं जिसकी विभागीय जांच विभागीय स्तर पर चल रही है, एवं रेंजर कृतिका शुक्ला को कोलारस से हटाकर उनके स्थान पर रेंजर श्रुति राठौर की पदस्थापना की थी। तब से ही रेंजर कृतिका शुक्ला लगातार मनगढ़ंत आरोप लगाती रही हैं एवं उनके द्वारा पूर्व में भी बदनाम करने हेतु कई बार मीडिया में ऐसे बयान दिए गए हैं। उनकी इसमें एक अधिकारी को बदनाम करने के लिए पोस्टर चिपकाया गया है। क्या पूरा मामला है और कितनी इसमें गिरफ्तार है, क्या कौन सामने आया? मुख्य आरोपी इसमें कौन है? दिनांक 8/6/2024 को कार्यवाहक बाबूलाल नरवरिया कार्यवाहक वनपाल द्वारा एक लेखी आवेदन कोतवाली पर लाके प्रस्तुत किया गया था। उसमें यह उल्लेख था कि शिवपुरी के वन मंडलाधिकारी श्री सुधांशु यादव साहब की इमेज को धूमिल करने के लिए कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा शहर के सार्वजनिक स्थान पर अनर्गल टिप्पणी करते हुए पर्चे चिपकाए गए। पर्चे जब देखे गए तो पाया गया कि वो बेहद अभद्र और अमर्यादित टिप्पणियाँ उसमें वन मंडलाधिकारी के विरुद्ध की गई थी। इस बात के संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश किए गए थे कि तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर और इसमें आरोपियों का पता लगाया जाए। इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग एडिशनल एसपी कर रहे थे। इस रिपोर्ट पर से अपराध कोतवाली में पंजीबद्ध हुआ। 505 सबसेक्शन 2 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। TI कोतवाली और उनकी टीम के द्वारा यथाशीघ्र इस अपराध की विवेचना कर और पता लगाया गया कि ये किसके द्वारा अपराध घटित किया गया है, जिसके अंतर्गत शहर में जिन स्थानों पर पर्चे चिपके हुए थे उसके आसपास लगे हुए CCTV कैमरों के फुटेज लिए गए। CCTV कैमरे के फुटेज में 3 लोगों के द्वारा ये पर्चे लगाने का स्पष्ट वो लोग दृष्टिगोचर हो रहे थे। जिनकी पहचान कराई गई तो वो वन विभाग के ही कर्मचारी निकले। साक्षियों के द्वारा दिए गए कथन और CCTV फुटेज शनाख्ती पहचानों के आधार पर 3 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ के अंतर्गत 1 अन्य आरोपियों का नाम भी स्पष्ट हुआ है और प्रकरण में उन आरोपियों से पूछताछ अभी की जा रही है। शेष जो डिटेल्स हैं उसको भी टीचर बताइए। मुख्य आरोपी सर कौन है? मुख्य आरोपी जिसने ट्रक्ट करवाया सर, मुख्य आरोपी कौन है इसके अंदर? इसमें जो CCTV फुटेज से जो उनकी पतारसी की गई, तो उसमें 2 वन विभाग के वन रक्षक निकले थे। एक शौकत अली हैं, एक प्रभुदयाल शर्मा जी हैं और एक अन्य प्राइवेट व्यक्ति था। और उन्होंने अपने कथनों में उनसे जो पूछताछ की गई है तो उन्होंने बताया है कि उनको इस काम के लिए यहाँ पर पदस्थ रेंजर जो कृतिका शुक्ला जी हैं उनके द्वारा ये बताया गया था, इस तरीके से पोस्टर चिपकाने के संबंध में बताया गया था। कृतिका शुक्ला के कहने पे किया है
तो जो जो उसके संबंध में वन रक्षक जो शौकत अली जी हैं उनके द्वारा कुछ ऑडियो क्लिपिंग जो कृतिका शुक्ला जी द्वारा उनको फ़ोन कॉल किए गए थे उनको भी पेन ड्राइव में जब्त कराया गया है और उसको विवेचना में लिया गया है। पेन ड्राइव को शामिल डायरी किया गया है, पुलिस की डायरी में हमने शामिल किया है उसको, और कृतिका शुक्ला जी को भी एक नोटिस भेजा है इसके संबंध में। पूछताछ के लिए उनको थाने पर बुलवाया गया है। उनके आने के बाद अब ये आगे की जो भी इसमें कार्रवाई है उसमें आगे की कार्रवाइयाँ पता चलेंगी। उक्त प्रकरण में आज DFO महोदय के भी जब बयान लिए गए हैं, जब जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आज बयान लिए गए हैं और उसको जो इन हालातों के बारे में जब बताया गया है, तो उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में जो कृतिका शुक्ला रेंजर रही हैं वो कॉलरस पदस्थ थी, उस दौरान उन विभागीय अनियमितताओं के चलते उनको निलंबित किया गया था, एवं श्रुति राठौर जिसका उन पर्चों में नाम उल्लेखित किया गया है उन्होंने कॉलरस में उनकी जगह चार्ज लिया था। DFO महोदय का इस संबंध में पूरा अपना जो कथन है उसके संबंध में उन्होंने ये बोला है कि इन्हीं सब चीज़ों के संबंध में उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया होगा, जिसके संबंध में एविडेंस के आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी और पुलिस लगातार इस प्रकरण की विवेचना कर रही है।